100% इंजन डूबता था, इतना पानी उधर भरा है वो। तो दोस्तों सामने आप देख रहे हो वो है शिरडी एयरपोर्ट। ये हम आ गए शिरडी। अरे क्या इधर बाढ़ आ गई क्या? यहाँ पे पार्किंग लॉट में भी पानी भर गया था। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं शिरडी। अभी औरंगाबाद में बहुत सारी जगह हम देख लिए। तो ये है नागपुर औरंगाबाद मुंबई हाईवे। बहुत ही ऐसा वर्ल्ड क्लास हाईवे लग रहा है। तो यहाँ पे धूले 145 40 92 दौलताबाद 13 किलोमीटर्स। बैड पैच शुरू हो गया। ऐसे रोड्स आपको ऑलमोस्ट लाइक 40% ऑफ द रोड इज फिल्ड विथ पॉटहोल्स। ऐसे बीच बीच में आपको सरप्राइजेस मिलते हैं पॉटहोल्स के, वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। गूगल ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, रॉन्ग साइड पे गाड़ी का रास्ता दिखा दिया। तो यहाँ पे अभी नया नया बना है, इसके लिए शायद से अपडेट नहीं हुआ रहेगा। तो अपने को उस तरफ जाना है। दिस इज़ फॉर यू नो कमिंग गोइंग टुवर्ड्स औरंगाबाद। यहाँ से तो जैसे कि आप देख सकते हो रोड छोटा है, लेकिन यहाँ पे जो व्हीकल्स आते हैं, मतलब ट्रक्स भी आते हैं, लॉरीज, बड़े बड़े कार्गो कंटेनर्स। तो इसके लिए अगर ये लोगों को परमिशन नहीं दी ना तो अच्छा रहेगा, ये पैसेंजर्स के लिए जो जाना चाहते हैं। ये कितनी बड़ी कार्गो ट्रक अभी यहाँ से क्यों ला रहे हो इतने छोटे रास्ते से? ओहो, अभी यहाँ से ये देखो, ये ऐसा रास्ता है। अभी आप देखोगे ना अपडेट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, ये ब्लू है, ये ब्लू पैच है। ब्लू मतलब अच्छा रहना चाहिए रोड, लेकिन अपडेट नहीं होने की वजह से आपको ऐसे गलत फहमी में डाल देते हैं कि भाई ये रोड अच्छा है। ये हम आ गए शिरडी। अरे क्या इधर बाढ़ आ गई क्या? बाढ़ आ गया इधर, पानी ही पानी है।
Right, so guys, so finally दर्शन हो गए. तो मैंने लिया था वी आई पी पास, सो आई शो इट यू. ये तो इधर फट गया है वो, तो लोग फाड़ देते हैं ना, जस्ट शो इट. और हाँ, साथ में मुझे ये प्रसाद भी मिला. प्रसाद नहीं, ये उधी बोलते हैं इसको, तो अपने सर पे लगाने का रहता है. तो वुड आई रिकमेंड द वी आई पी दर्शन? येस डेफिनेटली. 200 rupees में आपको फटाफट दर्शन हो जाएगा. तो अभी हम लोग रास्ते में नाश्ता वास्ता करेंगे और फिर विल गो टू नासिक, और फिर नासिक से डायरेक्ट विल गो टू मुंबई. साई बाबा. तो बाय द वे, यहाँ पे ना बहुत पानी भरा था बिकॉज यस्टरडे बहुत जोर की बारिश आई. आपने देखा कि मुझे गाड़ी लाने को भी दिक्कत हुई. अभी मैं स्विच करता हूँ कैमरा, देखो कितना पानी भरा है. देखो ये सारा इतना पानी भर गया था, वहाँ पे अंदर के साइड भी सेकेंड थर्ड स्टेप तक पानी भर गया था. तो दिस इज समथिंग विच आई नोटिस फॉर द फर्स्ट टाइम. यहाँ पे फुटपाथ के ऊपर से बाइक बहो अपना पार्किंग सामने ही है. ये साइड इधर पार्किंग की है और यहाँ पे मैंने पार्किंग की थी. साई बाबा यहाँ पे. तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे पार्किंग लॉट में भी पानी भर गया था. अभी मैं गलती से उस पार्किंग लॉट में चला गया था, वहां पे तो नी डीप पानी था, मुझे अपनी पैंट बदलनी पड़ी. ये देख रहे हो, ये मैं अभी शॉर्ट्स में हूँ. मुझे याद आया, अरे बाजू के पार्किंग लॉट में मेरी गाड़ी है. 100% इंजन डूबता था, इतना पानी उधर भरा है वो साइड. लेकिन फॉर्चुनेटली अपनी गाड़ी दूसरे पार्किंग लॉट में थी तो कुछ नहीं हुआ. तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से. यहाँ पे थैंक यू. तो ये हम आ गए ऊपर. यू कैन नॉट इमेजिन द अमाउंट ऑफ रिलीफ आई फेल्ट व्हेन आई सॉ माई कार हियर सेफ एंड साउंड. तो यहाँ पे अभी मेरे मम्मी पापा इधर बाजू में ही खड़े रहेंगे क्योंकि उनको लगता है कि मेरी गाड़ी उधर थी, लेकिन एक्चुअल में मेरी गाड़ी इधर है. ये देखो ये यहाँ पे खड़े हैं दोनों. आओ आओ दोस्तों, यहीं से नाश्ता ले लिया हल्दीराम से. एक समोसा और एक कचौरी और उसके साथ साथ ये इमली चटनी रसगुल्ला. होपफुली यहाँ पे पानी नहीं भरा हुआ रहना चाहिए यार, आने के टाइम बहुत पानी था. तो दोस्तों जो रास्ते से मैं जा रहा था, मैंने अभी यू टर्न मार लिया और मैं थोड़ा सा लॉन्गर रूट ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत पानी भरा है. और मैं आया था तभी भी पानी था, अभी भी पानी है. तो कभी भी याद रखिए, आप ये एयरपोर्ट वाला जो रास्ता है वो लीजिए, वो जो हमेशा GPS पे दिखाता है वो रास्ते से शिरडी आने को थोड़ा अवॉइड कीजिए. थोड़ा लॉन्गर रूट पड़ता है लेकिन यहाँ का रोड अच्छा है. वो देखिए श्री साई बाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो दोस्तों सामने आप देख रहे हो वो है शिरडी एयरपोर्ट. शिरडी टेंपल से बहुत दूर है, किस कोने में लाके इसको रख दिया है. ये देखो एयरपोर्ट रोड लेके हम डायरेक्ट हाईवे पे कनेक्ट हो रहे हैं. चाय पीने को हम लोग रुके हुए. तो यहाँ पे बहुत जोरों से काम चल रहा है. ये देखो नागपुर के लिए हाईवे.